मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अखिलेश जी, क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी है आपकी भारत जोड़ो यात्रा। अखिलेश जी, ताले तू मानक जी, मुझे लगा कि आज वो आदरणीय मोदी जी का जो है नोटबंदी के शहादत की, देश के इकोनॉमी के शहादत के 8वीं बरसी का कुछ जिक्र भी होता तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर आपकी इच्छा, क्योंकि आज के दिन मोदी जी ने देश के इकोनॉमी को शहीद किया था। बात तो सही है, और जो जो वादे किए थे सबको पता है कि वो सारे सिर्फ जुमले थे कि नोटबंदी से क्या होने वाला है। हाँ भाई, कैसी लगी? रही बात यात्रा की, यात्रा लगभग 2 महीने से ऊपर हो गई, 1-2 दिन, और आपने देखा कि किस प्रकार से उसे न भूतो न भविष्यते अपार जन समर्थन, और हर उम्र जात वर्ग क्षेत्र दल के लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, और उसको अच्छा करते हैं हिंदुस्तान के काफ़ी मीडिया वाले, जो नहीं दिखाते वरना भाजपाई और उनके शुभचिंतकों के कईयों के दिल बैठ जाते। लेकिन जनता है, जमीन पे है, समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, और लोग इसलिए भी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि एक हिंदुस्तान को इसकी आज मोदी जी की सत्ता के चलते जो बर्बादी हुई है उसकी आज एक जरूरत है, जो राहुल जी पूरा कर रहे हैं पूरे देश में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अखिलेश जी, राहुल गांधी का कब तक इंतजार करेंगे गुजरात में लोग? चुनाव वहां पर चरम पर है, हिमाचल में तो बिल्कुल सिर पर आ गया। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हिमाचल और गुजरात राहुल गांधी कब जाएंगे या नहीं जाएंगे? आपको भी पता होगा, आप बताएं या ना बताएं, लेकिन हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस 2/3 बहुमत से सत्ता में आ रही है, ये आपको जानकारी है और कंफर्म जानकारी है। आप भले इसको बताएं या कम करके बताएं, हमारी सरकार दोनों जगह बन रही है, किस बात पर कोई इनको उठ देगा? दिन लद गए जब आप झूठे शब्द बाग दिखा करके और सोसाइटी को बांट करके वोट लेने का। महाराष्ट्र के अंदर तो बीजेपी का टुकड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि अभी अभी एक चुनाव हुआ उसमें उन्होंने नोटा चला और बहिष्कार करा, ऐसा किया तो भी 80% मानक 80% वोट लोगों ने हमको दे दिया। महाराष्ट्र का तो तय हो चुका है कि बीजेपी के नेता, शीर्षस्थ नेता भी अपनी पराजय टाल नहीं पाएंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कांग्रेस को कितना सपोर्ट मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को? महाराष्ट्र में कितना सपोर्ट मिलेगा? मैं बता रहा हूं, शेगांव के अंदर करीबन 10 लाख लोग आने वाले हैं। शरद पवार आएंगे कि नहीं, हाँ उद्धव ठाकरे आएंगे कि नहीं, अरे जनता उनके साथ बिक्री नहीं क्या आपको? अरे इतनी जनता है तो आपके नेताओं को जाना चाहिए किशोर जी, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को, शरद पवार को, सुप्रिया सुले को, अजीत पवार को, सबको जाना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। इतनी जनता है और फिर भी नहीं जाएंगे, बताइए। नहीं नहीं जा रहे हैं ना मानक, मानक तुम इतने बेचैन मत हो, जा रहे हैं। अरे तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? हमने जब उनको गले लगा लिया है तो हम क्या गले लगाते वक्त पीठ में खंजीर थोड़ी को बचते? देखो मानक, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी हमारा लक्ष्य है मोदी जी का आतंकवाद और प्रजातंत्र को बचाना। देश संकट में है, इसके लिए हमने आतंकवाद, आतंकवाद कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे तो आतंकवाद जैसा शब्द हल्का हो जाएगा किशोर जी, ये मत करिए। नहीं, 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 अरे भाई जो बीजेपी के अंदर है उनको पूछो, कोई भी वहां पर अगर मन की बात कर देता है तो उनको नितिन गडकरी बना दिया जाता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। आप देखिए ये कैसी अद्भुत भारत जोड़ो यात्रा है कि ना ये सरदार पटेल की जन्मभूमि कर्मभूमि को टच करती है, अच्छा, ना महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि कर्मभूमि को टच करती है, अच्छा, ना ये जो नकली उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए जिन्होंने राजनीति की 70 वर्ष तक, ना वो उनके ही कर्मभूमि अमेठी को टच करती है। ठीक है, कि हिमाचल में हो या गुजरात में हो, हमने विकास, सुशासन, इन चीजों पर काम किया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,
जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, और मैं तो इसको सोच रहा हूँ, इसको आप लोग भी सुनिए और बताइए कि ये ठीक है या नहीं। बार बार राहुल गांधी पर ये आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का नाम भले है, लेकिन अभी उनका भाषण आपने जो सुनाया अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, उन्होंने कहा कोई यात्रा श्रीनगर में तिरंगा फहराने से नहीं रोक सकती। अरे भाई 370 हटा के भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है कि कोई भी जाकर श्रीनगर के लाल चौक पर मजे से तिरंगा फहरा सकता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये देश को पता चलेगा कि दरअसल 370 हटाना इस देश में कितना जरूरी था कि इस देश की बड़ी पार्टी का नेता वो भी श्रीनगर में तिरंगा फहराने का कोई ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम इसके पहले नहीं कर पाया था, अब जाकर कर पा रहा है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। मानक जी बोलिए बच्चा क्या। मानक देखिए, यहाँ पे जो हमारे दोनों भाजपा के लोग बैठे हैं उनके तनाव और घबराहट देख के लग रहा है कि यात्रा कितनी सफल है। ये अपने आप में परिभाषित करती है इन लोगों की चिंताएं, तनाव और घबराहट। रही बात त्यागी तपस्वी की, शुरुआत करेंगे एक चाय बेचने वाला, लेकिन वो चाय बेचने वाला करोड़ों का सूट पहने, लाखों की टाई लगाए, लाखों का हैट लगाए, घड़ी लगाए, लाखों का जूता पहने, लाखों का साल पहने, बस ये है इनके त्यागी और तपस्वी की परिभाषा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और बताएंगे कि 370 हटा दिया तब लोग वहां जा पा रहे हैं। अरे जनाब, वो जब था ना तो भी दो निशान के नीचे बैठ के समझौते किए थे आदरणीय मोदी जी। शर्म शर्म करो शर्म। कश्मीर में सजा सरकार बनाए थे और उसी व्यक्ति जिस जो बगल में बैठा था वो पाकिस्तान और आतंकवादियों को धन्यवाद दे रहा था कि पीसफुल चुनाव कराने दिया, और वहां पे खामोशी से मुंह झुकाए खामोशी से बैठे रहे, आपत्ति तक नहीं की थी। ये थे हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे अपनी सरकार के लिए देश को बंधक रख करके, ये बीच में कोई अगर डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोले तो इसे बंद कर दिया करें। ये देश को डिस्टर्ब करते हैं और डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। क्या प्रयास आप पक्ष में है या खिलाफ तो है, ये रहा। ये है राष्ट्रभक्त। ये मैं मानक जी, मैंने आपको बताया इन डिस्टर्बिंग एलिमेंटों को क्रिकेट कहता है। क्रिकेट का जिक्र हुआ कि बिना आप डिस्टर्ब है क्या 370 हटने से। अच्छी, क्योंकि इन्हें पता है बेहतर तरीके से। साह साहब, मैं तानाशाह नहीं कर रहा हूं, आप साह साहब कितना खेले हैं। और जब देश जीतता है तो तिरंगा हाथ में पकड़ाया जाता है। 370 हटने के पक्ष में या तुम भी भारत का तिरंगा पकड़ लो। और उनको देखिए पीड़ा, एक पीड़ित व्यक्ति बोलना शुरू किया। पीड़ा शुरू हो गई इसकी, तो ये तिरंगा पकड़ाया गया तो तिरंगा हटा देते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? सिर्फ सत्ता के वजह से। तो ये राष्ट्रभक्त हैं। जब देश खुशियां मना रहा है और उस क्रिकेट वाले सज्जन को जो कई वर्ल्ड कप जीते थे, कप्तानी किए थे देश की, उनको एक तिरंगा भारत का पकड़ाया जा रहा है राष्ट्रध्वज, उसको किस तरह से हटा रहे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बता रहे हैं कि लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे जनाब, ये भी बता रहे हैं, एक फोन पे यूक्रेन की लड़ाई बंद हो गई थी। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं, फोन करके एक एक प्रत्याशी को, एक बागी को वापस करने के, बैठ जाने के लिए हर चीज, अपना पर्सनल नाता, रिश्ता, व्यवहार तक, टोपी तक चरणों में रख दे रहे हैं कि बैठ जा भाई, मेरा कुछ तो एहसान रख। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पार्टी का नेता उसको दरकिनार कर दे रहा है। कमाली बेइज्जती,
22 लोग बागी हो गए हिमाचल में, लड़ रहे हैं। अरे एक एक सीट के लिए टोपी पकड़ी रखी जा रही है, बैठाया जा रहा है, फिर भी नहीं जीतनी है न हिमाचल न गुजरात। ओके, मैं अभी भी बता रहा हूँ, राम या जो यात्रा निकली थी, राम मंदिर यात्रा, वो महाराष्ट्र के अंदर ही उसने दम पकड़ा था। वैसे ही राहुल जी की यात्रा इस वक्त कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए जाएंगी, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ कि मोदी जी के 8 साल होने के बाद उनके कामों के प्रति अब नाराजगी दिखने लगी है। मैं ये भी बोलूंगा कि मोदी जी के पास तुलना आप राहुल गांधी की यात्रा से कर रहे हैं। अरे भाई, ये बच्चा के बच्चों को बीच में यात्रा की तुलना आप राहुल गांधी की यात्रा से कर रहे हैं। किराए के बच्चे मेरे को ऐसे नहीं बोले। खत्म। नहीं 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 ऐसे नहीं, नहीं, नहीं। बच्चा कह रहे हैं वहां तक मैं अलाउ कर दूंगा। नहीं, 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 नहीं। कोई किशोर जी, किशोर जी, अरे कैसे करना आपको, कहां कहां से कम से कम 12 साहब ठाक दिए भैया जी, अरे इनके बारे में सोच, अरे ऐसा नहीं करना आपने। अब मैं जो बता रहा हूँ कि मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, राम मंदिर की यात्रा की तुलना राहुल गांधी की यात्रा से कर रहे हैं। अरे बाबा, उससे महंगी का यात्रा। अरे भाई ये देखो, अंधभक्तों का बड़ा परेशानी है। गजब बेइज्जती है।